करेंगे नए सफर की शुरुआत। तो बना रहे आपका साथ, स्वागत है आपके अपने चैनल इसके सफर। ठंडी में होता है फॉग और ये क्यूट सी लड़की भी देखती है मेरा ब्लॉग। मुझे पता ही नहीं था ये भी देखती है मेरा ब्लॉग। देखती है बाबू? देखो आ रहे हैं। बाय। क्या करें बता। तो यहाँ से हम निकल गए सीधे टिकट बुक कराने के लिए। अगर आप लोग मिनी ब्लॉग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा भाई, जिंदगी में ना सब जगह हेल्प दोस्ती करते हैं। अगर दोस्त अच्छे हो ना तो तुम्हें कोई जिस चीज़ की तकलीफ नहीं है। हमारे सुख दुख सब में साथ निभाए जाते हैं। बताओ, यहाँ इतना भीड़ था, मेरा टिकट बुक नहीं हो रहा था। अभी मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया, बोला भाई ये देखिए ऐसा ऐसा बात है, ये बंद हो जाएगा 8 बजे, कल ट्रेन है, तो थोड़ा एक बार स्टेशन जाकर टिकट कटा दे। थोड़ा बोलते हैं थोड़ा अपनी लैंग्वेज में। फिर गया, टिकट कटाया। थैंक यू भाई। तो यहाँ से हम निकल गए अपनी बुआ और मेरी बड़ी मम्मी जहाँ रहती हैं वहाँ के लिए। क्या प्याज काटने भी नहीं आता? सिखाओ उसे, सिखाओ, वरना जहाँ जाएगी नाम हंसवा देगी। तो गाइस फाइनली टिकट बुक हो गया, हम आ गए यहाँ पे घर पे। तो कल का ट्रेन है हमारा। हाँ, तो मैं क्यों जा रहा हूँ ये क्वेश्चन है ना। तो मैं गाइस मैं MCA भी कर रहा हूँ, MCA डिस्टेंस से कर रहा हूँ। मेरी बहन, हाय करो। हाय। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं क्या? पनीर। केवल पनीर नहीं रे, मटर पनीर। और हमारा भाई देखिए क्या मस्त प्याज काटने का इसको एक्सपीरियंस है। मैंने काटा है आधा। अच्छा, तूने काटा है? हाँ। देखा, क्रेडिट लेने में थोड़ा सा पीछे नहीं रहती है लड़की। ये क्रेडिट ले रहा है मेरा, मैंने काटा। चलो बना भाई पनीर, अच्छा बनाओ। चलो हाथ मत काट लेना। एक्सपीरियंस बॉय। तुम लोग खाली करो ना। हम तो गाइस मैं गांव क्यों जा रहा हूँ, गांव इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं गांव अभी 15 दिन पहले भी गया था, तो इंटर्नशिप था, तो इंटर्नशिप में गया था गांव में। और अभी एग्जाम होने वाला है हम लोग का, BEd का फाइनल ईयर का, तो उसके लिए जा रहे हैं। क्या करें यार, भागदौड़ जिंदगी में लगा रहा है, पता नहीं कब ये भागदौड़ खत्म होगा। गाइस जब घर बन जाता है तो होता है पेंट, कि घर बन जाता है तो होता है पेंट। और इस छोटे के पास है खाना बनाने का बहुत ही बड़ा टैलेंट। चलो भैया देख लीजिए कैसे खाना बनता है। किचन के स्लैब पे मस्त बैठ जाते हैं हम लोग और फिर यहाँ पे लहसुन कूटते हैं। रिश्ते बने रहते हैं उसका रीजन प्यार है, कि रिश्ते बने रहते हैं उसका रीजन प्यार है। और हमारा पनीर बन के तैयार है। मस्त बनाया। निकाल दो, भूख लग गया। उसके बाद हम सब ने साथ में बैठ के खाना खाया। बड़े पापा के सहारे है बीते दिनों की जानकारी को मैं जानता हूँ। उस टाइम हमने कितने दिक्कतों से सरवाइव किया था, उस दुख को पहचानता हूँ। मेरे पापा के बारे में बहुत सी जानकारी मेरे बड़े पापा से मुझे प्राप्त हुई है। गाइस दुख बहुत होता है और ये दुख आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। कमेंट में बताइएगा, मैं बता रहा हूँ दुख क्या है। मैं सुबह सुबह उठा, सुबह 5 बजे उठा हूँ और मतलब नींद में ही ये स्मार्ट वॉच चार्ज में लगाया हूँ। और देखिए कितना अच्छा हूँ मैं कि इसका स्विच ऑन करना भूल गया। और अभी हो रहा है 12 बज रहे होंगे और मैं अभी देखा हूँ कि फुल हो गया होगा। और जैसे ही देख रहा हूँ बहुत दुख होता है गाइस, बहुत ही दुख होता है। और ये घटना आपके साथ भी घटा होगा और ये देख के आपका भी माथा फटा हो। देखिए गाइस दो दो टैलेंटेड खाना बनाने वाले लोग लगे पड़े हैं। लग रहा है आज मस्त मस्त खाना बना के मिलेगा खाने के लिए। तो मेरी बहन बनाएगी भुजिया। भुजिया कौन बना रहा है? मस्त भुजिया बनाओ, जाओ भूख लग गया बहुत तेज, जल्दी निकलो। गाइस जितना देर में खाना निकाल रहे हैं ना उतना देर में मैं नहा के आ गया हूँ। हम लड़कों को क्या है, हम जल्दी नहा भी लेते हैं और जल्दी खा भी लेते हैं। गया है, कब तक निकालेगी खाना? गुड जॉब। और फिर हमने खाना खाया और आप लोगों को तो पता ही है मैं खाना खाते खाते IPL का हाईलाइट देखता हूँ, तो IPL का हाईलाइट देखा। गाइस तो अभी हम खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते IPL देखने का मजा ही अलग है। लेकिन अब तो IPL कुछ दिन में खत्म हो जाएगा, फिर तो क्या, फिर मूवी है सहारा। मैं अभी हाईलाइट देख रहा हूँ, तो खाना खाते हैं फिर बने रहिए ब्लॉग। फिर मेरी बहन ने पूजा करके चंदन लगाया कि छोड़ के अपना शहर हम जा रहे हैं अपने घर।
तो मैं अब रेलवे स्टेशन जा रहा हूँ। तो यह है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नज़ारा जो दिख रहा है आपको सारा का सारा। उसके बाद कुल्ली का काम खत्म करके मतलब सामान लेके हम आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे। गाइज मेरा बीएड का पेपर है इसलिए छोड़ के जा रहा हूँ शहर मैं अपने घर, कि लोगों को हंसते हंसाते बात करते हमने टाइम पास है कर लिया और हम फाइनली पहुंच गए हैं बेतिया। प्यास लग गया था तो हमने गन्ने का जूस पिया और निकल गए अपने गांव के लिए। किले के टेम्पो का सहारा हम आपको दिखा रहे हैं अपने गांव का कुछ नजारा। उसके बाद हम पहुंच गए हैं घर पे, अब नहा के निकलेंगे क्रिकेट खेलने के लिए। तो नहा के क्रिकेट खेलने के लिए आ गया हूँ। चार ओवर में जीत जाए तो क्रिकेट खेलना छोड़ दी। भाग 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 कि क्रिकेट खेलते खेलते हो गया है शाम, अब करेंगे थोड़ा सा बातचीत और करेंगे आराम। यहाँ पर ग्राउंड में प्ले होता हुआ ये आज के मैन ऑफ द मैच हमारे ये रहे। फिर क्रिकेट खेल के थोड़ा सा बातचीत करने के बाद हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पिया। जैसे ही हमने कोल्ड ड्रिंक खत्म किया वैसे ही आंधी और बरसात ने अपना रुख शुरू कर दिया। गाइस आप देख सकते हैं बारिश का माहौल है और आंधी बह रही है। यह है हमारे गांव का नजारा। मैं आंधी में उड़ रहा हूं। फिर अपने आप को बचते बचाते हम भाग के चले गए स्कूल में, और स्कूल में एक कमरा खुला हुआ था उसमें घुस गए और अपने आप को बचा लिए। तो आंधी के साथ साथ बारिश भी स्टार्ट हो गया था तो हम बारिश का आनंद ले रहे हैं। फिर बारिश के बाद सोने का माहौल सेट हो गया था तो हम चले गए सोने। कि ये कुछ बीते हुए दिन का ब्लॉग था, तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, लाइक तो जरूर कर दीजिए, लाइक बहुत कम हो गया आजकल, तो आप लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।